टीएमयू के 60वां स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के समापन होते ही विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु राउत के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने रजिस्ट्रार कर्नल अरुण और डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र का पुतला फूका। इस मौके पर पीजी मानविकी संकाय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मोहित यादव, टीएनबी के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रोहित कुमार समेत कई छात्र नेताओं ने अपनी सक्रियता दिखाई और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शांतनु ने कहा कि स्वागत भाषण में रजिस्ट्रार द्वारा छात्र संघ की चर्चा तक नहीं की गई, जबकि 45,000 छात्र छात्राओं ने उन्हें चुनकर भेजा है। वहीं न तो किसी छात्र नेता को सम्मानित किया गया और न ही किसी अधिकारी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। यह छात्रों और छात्र नेताओं का सीधे सीधे अपमान है। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई और जस्ट थोड़ी देर बाद आप लोगों का ये जो है प्रतिवाद हो रहा है, इसका क्या कारण है? 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिस तरह से छात्र संघ के साथ सलूक किया गया, हम किसी के रहमो करम पर नहीं आए हैं। हमने छात्र छात्राओं का विश्वास जीता है और उसके विश्वास पर खड़े उतरे हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ना हमें सम्मानित किया गया, ना हमें संबोधन में हमारा नाम लिया गया। अगर छात्र संघ को अपमानित करना था तो हमें बुलाया ही क्यों गया, और ना ही कार्ड हमारे ऑफिस तक पहुँचाया गया। हम कुछ काम से DSW ऑफिस में आए थे, उसी समय मेरे हाथ में कार्ड पकड़ा दिया गया। मतलब कार्ड आज दिया गया है? कार्ड कल ही दिया गया था, लेकिन हम कुछ काम से आए हुए थे DSW के ऑफिस, उसी समय हमारे हाथ में कार्ड थमा दिया गया। ना ऑफिस को कार्ड भेजा गया, ना आपको टेलीफोन किया गया? टेलीफोन किया, ऑफिस में कार्ड नहीं भेजा गया था। और जिस समय हम 7वीं वर्षगांठ पर आए तो ना ही छात्र संघ को सम्मानित किया गया, ना ही हमारे संबोधन में हमारा नाम लिया गया। हमारा अपमान यही दर्शाता है कि जो 45,000 छात्र छात्राएं हमें यहाँ पर भेजी है, उन सभाओं का अपमान कर रही है विश्वविद्यालय, और ये तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, इसके सख्त खिलाफ है। अगर ये चीज पे विश्वविद्यालय सुधार नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।